শাউল, ও শাউল, তু মুঝে ক্যুঁ সতাতা হে? এ খুদাবন্দ, কন হে তু? মে ইয়েসু হু জিসে তু সতাতা হে। মগর উঠ, শহর মে যাও আর জো তুঝে করনা হোগা তুঝে বতায়া জায়েগা। মুঝে কুছ দিখাই নাহি দে রাহা, কুছ দিখাই নাহি দে রাহা মুঝে। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहा? कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये यकायक। जो कुछ मैंने सुना वो तुमने भी सुना, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है तुम देख नहीं सके। जल्दी करो, मुझे दमिश्क ले चलो, अंधेरा होने वाला है। हननिया, ए हननिया। खुदाबंद, खुदाबंद, मैं हाजिर हूं। खुदाबंद, मैं हाजिर हूं। उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में शाउल नामी तरतूसी को पूछ ले। देख, वो दुआ कर रहा होगा, और उसने भी रोया में देखा है कि तूने उस पर हाथ रखा ताकि वो फिर से बीनाई पाए। मगर ए खुदावंद, वो तो यरूशलेम में तेरे लोगों को सता रहा है, और यहां भी इसी मकसद के तहत आया है कि वो तेरे नाम लेवाओं को गिरफ्तार करके यरूशलेम ले जाए। हननिया, जैसा तुझसे कहा गया वैसा ही कर, क्योंकि शाउल मेरा चुना हुआ वसीला है जो मेरे नाम को दुनिया की इंतहा तक फैलाएगा, और मैं उसको दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा खुदावंद, मैं शावल के पास जाऊंगा। खुदावन, मैं जाऊंगा।
शाहुल, शाहुल कौन कौन है भाई? मैं अनन्या हूँ और पिछले मोहल्ले से आया हूँ। अनन्या अंदर अंदर आइए ना। माफ करना भाई, मैं नाबीना हूँ, देख नहीं सकता। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन जिस यीशु ने अंधों को बिनाई, बीमारों को शिफा और मुर्दों को जिंदगी बख्शी, वो तुझे बिनाई भी देगा। काश ऐसा हो सकता। ऐसा ही होगा अगर तुम यीशु पर ईमान लाओ। ठीक कहते हैं बुजुर्गवार, मेरे ईमान की आंखें तो उसी वक्त खुल गई थीं जिस वक्त मैं नाबीना हुआ, और खुदा की कसम जब भी मैं देखने के लायक हुआ, मैं अपनी सारी जिंदगी यीशु के नाम कर दूंगा और यीशु का परचम यरूशलम से रोमा तक और दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दूंगा। खुदा तेरे जज्बे को सलामत रखे बेटा, खुदा तेरे जज्बे को सलामत रखे। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। खुदावंद, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है खुदावंद। आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूं। नहीं बेटा नहीं, सिर्फ पानी पिला दो। जी बेहतर बेहतर। गुवार, क्या आप मुझे यीशु की जिंदगी के बारे में कुछ बता सकते हैं, खास तौर पे उनकी सलीबी मौत और उनकी तालीमात के बारे में? मेरे ख्याल में तुम्हें यीशु के बारे में पता होगा। क्या तुम यरूशलेम के नहीं हो? काश मुझे यीशु के बारे में पहले से इल्म होता। बुजुर्गवार में तरसिस का रहने वाला हूँ और रबी गैमलियल से सिर्फ तालीम हासिल करने यरूशलेम जाता रहा, या फिर यीशु की मौत के बाद ईजा रसानियों में शरीक रहा हूँ। तो क्या तुम्हें यीशु की अवामी जिंदगी के मुताले का मौका नहीं मिला? ये मेरी बदकिस्मती है बुजुर्गवार, लेकिन तुम्हारा नाम तो इब्रानी है। बुजुर्गवार मैं रोमी शहरी हूँ और मेरा लातीनी नाम पॉलोस है, जिसकी यूनानी शक्ल पॉलस
जिसके मानी छोटा के हैं, लेकिन चूंकि मैं यहूदी हूँ इसलिए मेरा इब्रानी नाम शाउल है। मगर मुझे यकीन है बेटा कि दुनिया तुम्हें पुलुस के नाम से याद रखेगी, क्योंकि मसीह को कबूल करने के बाद तुम आज से एक नए इंसान बन गए हो, इसलिए अपना इब्रानी नाम अपने माजी के हवाले कर दो। बुजुर्गवार, हम कहां से कहां आ गए? मैं तो आपसे यीशु की सलीबी मौत के बारे में पूछ रहा था। हाँ, उस वक्त मैं यरूशलेम में था जब यीशु के खिलाफ ईजा रसानियों का सिलसिला शुरू हुआ। मैं दमिश्क की तरफ चला गया। हाँ, यरूशलेम पर शाम का धुंधलिका फैल चुका था। सूरज कमान की सूरत उभर के जमीन में, जहां जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, डूब गया था। किनारे फलक पर शफक की लाली मलकिजी अंधेरों में गुम हुआ चाहती थी। उस दिन यरूशलेम पर खिलाफ मामूल उदासी छाई हुई थी। इधर घरों में मिशलें लोगों को वादिये नींद में धकेल कर बुझा जाती थी, और उधर सरदार काहिन के महल में बिसाते वक्त पर नए मोहरों के साथ शिकस्त आदम की साजिश मरहले तकमील में दाखिल हो चुकी थी। सरदार काहिन के ऐवान पुरनूर से इधर वादिये कदरून के पार कस्तमनी बाग के एक नीम रोशन गोशे में खुदावंद यीशु मसीह बहालत इस्तराब में दुआ था। वो शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह बेकरार और सर्द हवा के बावजूद पसीने में शराबोर था। यीशु चंद लम्हे दुआ में गुजार कर अपने शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोता हुआ पाकर पलट गया। वो नहायत दिल सोजी के साथ खुदावंद से हम कलाम होता है। ए बाप, उस घड़ी को रोक ले जिस घड़ी तेरा बर्रा भेड़ियों के हवाले किया जाएगा। ए बाप, अगर हो सके तो मौत का प्याला मुझसे टाल दे, ताहम मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मगर यीशु के वजदान की गहराई से खुदावंद की आवाज बुलंद होती है, नहीं मेरे महबूब, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने आज मौत का प्याला न पिया तो बनी नौ इंसान जिंदगी और नजात के उस प्याले से महरूम हो जाएगा जो हम उसे देने को। यीशु बाप के अज़्म और ख्वाहिश के सामने हथियार डाल देता है। यीशु की पुरनूर पेशानी से पसीना लहू की बूंदों की शक्ल में नीचे गिरकर बंजर जमीन को शादाब कर जाता है। वो एक फर्मा बरदार बेटे की तरह गोया होता है। ए बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। वो दोबारा अपने शागिर्दों के पास जाता है और उन्हें नींद से बेदार करता है। उठो, तैयार रहो, क्योंकि इब्ने आदम का वक्त आन पहुंचा। वो देखो, लोग मिशलें लाठियां और तलवारें लिए बेमुहाबा बाग की सम्त चले आते हैं। हुजूम बाग के गुलबूटों को पांव तले रौंदता हुआ यीशु के करीब पहुंच गया। उसके शागिर्दों में से एक यहूदा इस्करियोती आगे बढ़ा और यीशु का बोसा लेकर कहा, ए रब्बी सलाम।
رومی سپاہی جو سلطنت روما کے پرشکو ایوانوں میں شب و روز گزارتے تھے، یسوع کی عوامی زندگی سے بھلا کب واقف تھے؟ اسی لیے تو یہودا نے انہیں یہ نشانی دی تھی کہ وہ جس کا بوسہ لے گا وہی یسوع ہوگا، اسے گرفتار کر لینا۔ افسوس، وہ چند سکوں کی خاطر بک گیا اور اپنے محسن و مربی کو دھوکے سے پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے یسوع پر ہاتھ ڈالا مگر یسوع کے پاؤں لڑکھڑائے نہیں، بلکہ وہ کمال دلیری کے ساتھ ہجوم سے مخاطب ہوا۔ تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے مجھے پکڑنے کو نکلے ہو، میں ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا مگر تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ سپاہیوں نے یسوع کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ ہجوم میں سے لوگ یسوع پر لان تان کرتے اور اسے تماچے مارتے تھے۔ ہجوم کا شور اور یسوع کی بے بسی دیکھ کر درختوں پر سوئے ہوئے پرندے بھی تڑپ اٹھے اور باغ کی فضا ان کی آہ و بکا سے گونج اٹھی۔ سپاہی یسوع کو یہودیوں کی مذہبی عدالت میں لے چلے۔ یسوع کے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ ہجوم دشمنہ میں اکیلا تھا۔ یسوع رسیوں میں جکڑا ہوا سردار کاہن کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ سردار کاہن یسوع سے اس کے شاگردوں اور تعلیم کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یسوع نے پروقار طریقے سے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں، میں نے کھلے عام ہیکل میں تعلیم دی ہے اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ سردار کاہن سے جب کچھ نہ بن پایا تو یسوع کو رومی حاکم پنتس پلاتوس کے پاس بھیج دیا، جہاں یسوع پر جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ وہ ہیکل کو ڈھا کر 3 دن میں دوبارہ تعمیر کرنے اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پلاتوس نے یسوع سے ان الزامات کی صداقت کے بارے میں سوال کیا تو یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم ابن آدم کو 3rd day مردوں میں سے زندہ ہوتے اور خداوند کے دائیں ہاتھ بیٹھا دیکھو گے۔ لیکن محترم بزرگ، سردار کاہن اور یہودی بزرگوں کو یسوع سے کیا پرخاش تھی اور وہ انہیں مار کر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یہودی سردار کاہن اور رومی حکام خداوند یسوع سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگوں کے درمیان یسوع کی مقبولیت اور تعلیم ان کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے وہ یسوع کو مارنے کے درپے تھے اور وہ یسوع سے اس لیے خائف تھے کہ وہ لوگوں سے محبت، معافی اور انسانی ہمدردی پر مبنی ایک نئے نظام کی بات کرتا تھا۔ حاکم وقت پنتس پلاتوس یسوع کی بے گناہی اور معصومیت پر یقین رکھتا تھا، لیکن وہ یہودیوں کے دباؤ میں آ گیا۔ اس میں اپنے یقین کا اقرار کرنے کی جرت نہ تھی، وہ انصاف کرنے کا اہل نہ تھا، وہ وقت کے دباؤ کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے بے گناہ یسوع کے خون سے اپنے ہاتھ دھوئے، اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کیسی عدالت تھی، یہ کیسا انصاف تھا کہ ڈاکو چھوڑ دیا گیا اور جشن عید منانے کے لیے ایک بے گناہ کے خون سے لہو کے چراغ روشن کیے گئے۔ یہ کیسا منصف تھا جس نے انصاف کے ترازو کو دست غیر کے حوالے کر کے یک طرفہ فیصلہ کیا۔ سردار کاہن، فریسی اور رومی سپاہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جیسے آپس میں کہہ رہے ہوں، آؤ یسوع کے خون سے اپنی ستم پسند جبلت کی تسکین کریں، آؤ اس بدن کو تختہ مشق ستم بنائیں، اے کوڑے
कितने दिनों से तू किसी जिस्म से रिसते हुए लहू का प्यासा है, ए ज़ईफ कोड़े, पूरी कुव्वत से बरस और जवान लहू की सारी तवानाई निचोड़ ले। इसकी रगों में दाऊद की शाही नस्ल का खून दौड़ रहा है, आओ इस खून को अपने चेहरों पर मल ले ताकि हमारी सूरतें ताबिंदा हों। अरे ओ प्यादो, जाओ एक कर्मजी चोगा लाओ और अपने बादशाह को पहनाओ, और हां अपने बादशाह के सर पर ताज भी रखो। कैसा ताज? हां कांटों का ताज। अच्छा किया सर पर कांटों का ताज रख दिया। लहू की लकीरें उसके चेहरे पर फैल गई हैं। कपड़े से पोंछ दो। नहीं, जरा नबुवत से बता किसने तुझे मारा। नहीं बताता बेचारा। और फिर दार और रसन का मरहला आ गया। सिपाहियों ने एक भारी सलीब यीशु के कंधे पर रखी और कोहे कलवरी की जानिब चल पड़े। यरूशलम के दरोबाम का सोया हुआ जमाल गोया बेदार हो गया। लोगों का हुजूम काफिले की शक्ल इख्तियार करता जाता था। हुजूम में तमाशाई भी थे और हमदर्द भी। यीशु का मुकद्दस लहू यरूशलम की गलियों में जुल्म की कहानी लिख रहा था। वो सब्र और इस्तिक्लाल के साथ दुश्मनों के ताने और कोड़े सह रहा था। वो इस्तिकामत का एक पहाड़ था। सैले बिलादो मसाइब के बावजूद उसके होठों पर कोई शिकवा था न शिकायत। वो तमाम तर कमजोरी के बावजूद सलीब का बोझ उठाए चला जा रहा था। उसका चेहरा पसीने और खून से लिथड़ा हुआ था। अचानक एक औरत हुजूम में से आगे बढ़ी और अपने रुमाल से यीशु का चेहरा पोंछा, और यीशु के मुकद्दस चेहरे की तस्वीर रुमाल पर उभर आई। बुजदिल जालिमों के दरमियान ये औरत कितनी बहादुर थी, कितनी अजीम थी। यरूशलम को अपनी इस बेटी पर नाज करना चाहिए क्योंकि ये औरत उन औरतों से अजीम तर थी जो यीशु की हालत इजार पर मातम कर रही थी। कोड़ों और जख्मों की दर्द से कराकर यीशु तीसरी बार मुंह के बल जमीन पर गिरा। इस मरहले पर सिपाही यीशु की कमजोरी के पेश नजर शमौन नामी एक राहगीर को पकड़ते हैं ताकि वो सलीब उठाने में यीशु की मदद कर सके। कितना खुश नसीब था वो शख्स जो इस हालत में यीशु की मदद करता। हमें ऐसी सआदत कहाँ हासिल। नामवार रस्तों पर चलते चलते यीशु के पांव लहूलहान हो रहे थे, मगर वो फिर भी चले जा रहा था, चले जा रहा था। सुए कलवर, सुए मक्तल। यीशु को बेदर्दी के साथ सलीब पर लिटा दिया गया। यीशु ने अपने हाथ पांव सलीब पर पसारे और सिपाहियों ने आहनी कीलों को यीशु की नाजुक हथेलियों और पांव में ठोक दिया। यीशु ने उफ तक न की। आखिरी घड़ी के करीब सूरज तारीख हो गया। हवाएं तेज और अंधेरा दम बदम बढ़ने लगा। यीशु बुलंद आवाज में पुकारा, एली।
لماشب قدانی. اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سردار آخری ہچکی زندگی کی اساس ہو جیسے میرے مفتی طویل افسانہ کلوری تراس ہو جیسے. یک یک ایک زوردار دھماکے سے پورا یروشلم ہل گیا جیسے زمین پر زلزلہ آ گیا ہو. ہیکل کا پردہ دو ٹکڑے ہو گیا. مگر یہ شاید کہانی کا انجام نہیں. یسوع کی موت کہانی کا انجام نہیں. بے شک اگر یسوع مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو شاید ہمارا اس پر ایمان لانا بیکار ہوتا. بیٹے یسوع کی موت اور ان کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان تمہیں زندہ و جاوید کر دے گا اور تم یسوع کے تیرویں شاگرد ہوگے. تیرویں شاگرد. کوئی ایک سلسلہ ہے.